नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और मेरे साथ है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आज महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो रहा है, लेकिन ये उनसे जो बातचीत कर रही हूं वो 6 बजे के पहले का है। तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये कि लोग बोल रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी हैं और महाराष्ट्र में जो सेनापति हैं वो देवेंद्र जी हैं। तो ये बताइए कि पिछली बार आप लोगों ने 48 में से 42 सीटें जीती थी, इस बार आपका अपना क्या आंकड़ा है? देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था उस समय मुझे किसी ने पूछा था कि क्या आपको 2014 जैसे लहर नजर आती है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि 2014 की तो लहर थी, 2019 में मुझे सुनामी नज़र आती है, मोदी जी की सुनामी है। आप बिल्कुल पक्का समझ लीजिए, हम लोग जो है पिछले बार से भी अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, उससे भी अच्छी सीटें हमको मिलेगी। तो क्या बीजेपी इस बार चुनाव में गौण हो चुकी है और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं? देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और बीजेपी के नेता के तौर पर और भारतीय भारत के सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर जो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है उसके नेता के तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है उसके कारण आज हमको फ़ायदा मिल रहा है। लोगों को फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना है और इसलिए लोग हमको वोट कर रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि ये इट्स लाइक अ प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, हमारा लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और उसमें हमने जिस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकारा है उसमें प्राइम मिनिस्टर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही चुनते हैं, लेकिन ये कई बार होता है कि जो हमारे नेता होते हैं उन नेताओं की ओर देखकर लोग हमारे जो MPs है उनको भी वोट देते हैं या उम्मीदवारों को वोट देते हैं। तो ये उस प्रकार रहा है कि लोग कि कोई चीज उसमें गौण भी दिखे तब भी मोदी जी की ओर देखकर और उनको प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वो वोट कर रहे हैं। तो ये बताइए देवेंद्र फडणवीस जी कि क्या जो किसान के मुद्दे थे, जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, जो गरीबी का मुद्दा था, जो किसान के सुसाइड का मुद्दा था, वो सब कहीं कुछ नहीं है? ये सारे मुद्दे बिल्कुल है और मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि ये सारे मुद्दों के बावजूद लोगों का ये विश्वास है इन मुद्दों के ऊपर अगर कोई हल निकाल सकता है तो मोदी जी निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 साल में जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार में काम हुआ है, चाहे वो किसानों के लिए योजनाएं हो, चाहे वो हमारे सिंचाई की परियोजनाएं हो, चाहे PM किसान जैसी योजनाएं हो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, EPFO का डेटा देखें, फिक्की का डेटा देखें, अलग अलग डेटा देखें, तो ये ध्यान में आता है कितने बड़े पैमाने पर रोजगार की निर्मिति हुई है। तो लोगों को समस्या नहीं है ये मैं नहीं कहता, लेकिन लोगों के मन में अब ये विश्वास हो गया है हमारी समस्याएं 60 साल तक कांग्रेस की सरकार ने जस की तस रखी, लेकिन 5 सालों की मोदी जी की सरकार के बाद उनको ये लगता है हमारी समस्या अगर कोई समाप्त कर सकता है या उन पर कोई हल निकाल सकता है तो नरेंद्र मोदी जी ही निकाल सकते हैं। आप मराठा अस्मिता के जिसे कहते हैं सिरमौर हैं, मराठा अस्मिता जो है, मराठी पहचान, मराठा अस्मिता, उसके पहचान देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के सामने सामने आपकी बीजेपी की कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आपके एक बहुत बड़े शहीद हेमंत करेकरे को देशद्रोही कहती हैं। मैंने माना कि आपने कहा कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने ये कहने में बहुत देर कर दी? नहीं, देर करने का सवाल नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हेमंत करकरे केवल मराठी थे इसलिए वो बड़े नहीं होते। उन्होंने एक अफसर के रूप में जिस प्रकार से काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के एक IPS अफसर के नाते अलग अलग जिस प्रकार की तफ्तीश की, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे शहीद के रूप में वो महान है।
देखिए उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ चाहे वो मराठी नहीं भी होते तब भी मेरे बयान यही होते कि इस प्रकार से उनके बारे में बोलना बिल्कुल गलत है, इसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैंने तुरंत ये कहा कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। और जब साध्वी ने स्वयं अपने बयान को वापस लिया और माफ़ी मांगी तब भी मैंने ये कहा कि माफ़ी मांगी ये बात अच्छी है लेकिन इसको नहीं कहा जाना चाहिए था, इसको कहना ही गलत है। तो क्या आप अपनी पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के लोगों से साध्वी प्रज्ञा के बयान पर माफी मांगेंगे? देखिए स्वयं साध्वी ने अपने बयान पर माफी मांगी और भारतीय जनता पार्टी ने तो तुरंत यह कह दिया कि ये जो बयान है इस बयान से हमारा कोई संबंध नहीं है, उनकी व्यक्तिगत राय है। और आपने मुंबई की कल की सभा में भी देखा होगा स्वयं प्रधानमंत्री जो हमारे सर्वोच्च नेता है उन्होंने हमारे आईपीएस अफसरों के बारे में, हमारे शहीदों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है ये रखी है। और इसके बावजूद भी मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ इस प्रकार के बयान ये बिल्कुल गलत बयान है, इस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपके यहाँ मुंबई के रैली में इस बयान से अपने आप को अलग तो नहीं किया लेकिन उनके बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू के बारे में कहती हूँ जिसमें उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को डिफेंड किया, उसको आप क्या कहेंगे? अमित शाह उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए डिफेंड किस चीज को किया है, उनके इस बयान को नहीं किया। सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना सही है या नहीं है, ये जब पूछा गया तो मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये क्यों दिया गया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, देखिए ये विशेष रूप से एक ऐसा नरेटिव तैयार किया गया हिंदू टेरर का। और ये नरेटिव क्यों तैयार हुआ, तो जिस समय हमारे यहाँ पर आतंकवाद चरम सीमा पर था और उस समय ATS हो पुलिस हो बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही थी जिससे अल्पसंख्यक समाज और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में उस समय के कांग्रेस NCP सरकार के बारे में बहुत नाराजी थी। इस नाराजगी के चलते ये सारी जो कार्रवाई है इसको ठीक ढंग से करने की जगह उन्होंने एक दूसरा हल इसका ढूंढा, एक काउंटर नरेटिव तैयार करने का विचार किया और उसमें हिंदू टेरर ये उन्होंने काउंटर नरेटिव तैयार किया जो NIA ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में ये किस प्रकार से तैयार हुआ, ये किस प्रकार से फ्रेमिंग था, ये किस प्रकार से कुकटप था, ये सारी चीज़ें बाहर आ गई। और हिंदुत्व जो है ये 5000 साल की परंपरा है और इस परंपरा ने कभी भी सहिष्णुता को छोड़ा नहीं है। हिंदू टेरर नहीं हो सकता। देखिए आप पूरे हिंदुओं को टेररिस्ट करके ब्रांड कर दे ये गलत बात है। देखिए जब यहूदियों को या पारसियों को दुनिया ने परिष्कृत किया उसमें पनाह भारत ने दी थी और इसलिए इसके चलते अगर हिंदुत्व को कोई इस प्रकार से अपमानित करता है और अब वो सारी चीजें खुली हो गई तो उनको सीट देना ये एक प्रकार की रिएक्शन है, एक प्रकार से जवाब है कि अगर हिंदुत्व को आप टेररिज्म से जोड़ोगे और सारे हिंदुओं को टेररिस्ट कहोगे तो इसका ये जवाब है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो टेरर अक्यूज है उसको एक सीट पर खड़ा करके BJP जवाब देना चाह रही है। देखिए आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने फ्रेम अप करके उनको टेरर अक्यूज किया, अब तो NIA ने साफ कर दिया है ना। और हमारे CRPC में तो जो प्रोसिक्यूशन होता है उसी को तो प्रोसिक्यूट करना पड़ता है, तभी ना जाकर कोई अक्यूज होता है या तभी ना जाकर कन्विक्ट होता है। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन स्वयं जब कह रहा है कि इनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, ये सारा कुकटप है फ्रेमअप है, तो उसके बावजूद अगर इस प्रकार की बातें होती है, ये सवाल तो राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए, वो बेल के ऊपर है और चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो क्लीन चिट नहीं है, साध्वी प्रज्ञा को तो क्लीन चिट है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार का ये जवाब है जिन्होंने हिंदू टेरर की स्टोरी तैयार करके हिंदुओं को टेररिस्ट बनाने का प्रयास किया, उनको जवाब है। साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट नहीं है, साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट से क्लीन चिट नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट है। देखिए मैं वापिस आपको बताता हूँ, चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। मैंने इसलिए वापिस ये कहा, मैंने वापिस ये कहा इस देश के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में
जिस समय प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि हमको प्रोसिक्यूट नहीं करना है, वो जब प्रोसिक्यूशन कब, जब कन्विक्शन कब होता है, जब प्रोसिक्यूशन कहता है ये केस है, ये सबूत है, इन सबूतों के आधार पर इनको आप सजा दीजिए। अभी प्रोसिक्यूशन कह रहा है ये सजा नहीं दे सकते क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये कुकटप है, फ्रेमअप है। अब ठीक है, कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगा, लेकिन मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के केस में तो क्लीन चिट भी नहीं है, वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है, क्लीन चिट भी नहीं है, वहां पर तो चार्जशीट उनके खिलाफ जा रही है। अच्छा। ऐसे समय वो लड़ सकते हैं, लेकिन जिनको क्लीन चिट मिली है, जिनको फंसाया गया है, वो लड़ नहीं सकते। अच्छा। ये तो दोहरे मापदंड होंगे। ओके, देवेंद्र फडणवीस जी, आप चीफ मिनिस्टर भी हैं और आप होम मिनिस्टर भी हैं, तो ये बताइए कि क्या साध्वी प्रज्ञा के केस को महाराष्ट्र के ATS ने जांच की थी उसकी, तो क्या आप इस फाइल को फिर से खोलेंगे? महाराष्ट्र ATS के जो ऑफिसर्स थे उस वक्त के, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? अगर उन्होंने उनको फंसाया था, अगर उन्होंने कुकटप स्टोरी की थी, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में यह कहा है, मुझे कई लोगों ने यह प्रश्न पूछा, मैंने उनको बहुत साफ शब्दों में कहा, एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर मेरा काम यह है कि TV पर आए हुए बयानों के माध्यम से नहीं, लेकिन अगर कोई लिखित शिकायत मेरे पास आती है तो ये मेरा गृह मंत्री के रूप में काम ही है, साध्वी प्रज्ञा ही क्यों, किसी की भी लिखित शिकायत आए तो मुझे फाइलें खोलनी पड़ती है, किसी की भी लिखित शिकायत आए तो उसकी जांच मुझे करनी पड़ती है, अगर लिखित रूप में शिकायत आएगी तो जांच होगी। देवेंद्र जी, ऑन अ सीरियस नोट, आप तो इतने पॉलिटिकली सैवी हैं, ये बताइए कि क्या साध्वी प्रज्ञा का जो मसला है या साध्वी प्रज्ञा खुद में BJP के लिए और खास करके महाराष्ट्र में BJP के लिए गले की हड्डी बन गई है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता नहीं, गले की हड्डी वगैरह ये मुझे लगता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हमारी पार्टी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और चुनाव के बाद आपके ध्यान में आएगा ये निर्णय सही है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है चूंकि साध्वी प्रज्ञा ये राजनीति में नहीं है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम राजनीति में नए होते हैं और मीडिया के सामने जाते हैं तो कई बार मीडिया इस प्रकार की गुगली डालती है कि जिसका जवाब हमको देना नहीं बनता, ऐसे समय हमने जवाब न देना चाहिए, यह ज़्यादा ठीक होता है। मुझे लगता है वे भी सीख जाएगी। मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने निर्णय लिया है और पार्टी जो निर्णय लेती है उसको सभी समर्थन देते हैं। जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप लोगों की शरद पवार से आजकल बहुत ज्यादा तूतू मैं हो रही है, क्यों आप शब्द बोले जा रहे हैं, क्या बात है? नहीं जी, कोई तूतू मैं नहीं है। देखिए मैं बहुत साफ शब्दों में आपको बताता हूँ, तूतू मैं वगैरह नहीं है। यह है कि शरद पवार जी का क्लेम यह है कि देश का महागठबंधन मैंने बनाया है। महागठबंधन तो बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका क्लेम है कि महागठबंधन मैंने बनाया है। और महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ये शरद पवार जी की B टीम है, या कांग्रेस का कोई आला नेता, राज्य का नेता इस रूप में सामने ही नहीं आ रहा। इसलिए जब विरोधियों की बात होती है महाराष्ट्र में तो शरद पवार जी की बात होती है और राहुल गांधी जी की बात होती है, और इसलिए लोगों को ये लगता है कि हम लोग शरद पवार जी के ऊपर बोल रहे हैं। अब शरद पवार जी भी हमारे ऊपर रोज बोलते हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि इस इलेक्शन के बाद अगर रिजल्ट्स ठीक नहीं होते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे का या शिवसेना को जो तीखे बाण अभी एक महीना पहले तक चल रहे थे वो फिर से शुरू होंगे क्या? पहली बात तो यह है कि ये सारी चीजें हम समाप्त कर चुके हैं, दोनों बिल्कुल ताकत से साथ में आए हैं, और मैं आपको अनुराधा जी बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, ये अगर मगर वाली बात अब इस चुनाव में बची नहीं है। ये चुनाव BJP को अपने बलबूते पर बहुमत देगा और NDA के साथ प्रचंड बहुमत देगा, और इसलिए अगर मगर अगर आपके मन में है तो अगर भी निकाल दीजिए और मगर भी निकाल दीजिए। तो ये तो बता दीजिए कि अच्छी शिवसेना से सेटिंग किसने कराई आप लोगों की, खबर तो बताइए। अरे भाई, 30 साल हम लोग साथ में रहे, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की बातों को हमने साझा किया है, और मैं तो, आप देखिए, आपने इससे पहले भी मेरा इंटरव्यू किया था, तब भी सवाल किया था, मैंने तब भी आपको ये बताया था
कि शिवसेना हमारे साथ ही रहेगी। देखिए 30 सालों में 3 साल हमारी अनबन रही, बिल्कुल रही, लेकिन उस समय भी सरकार तो साथ में चला रहे थे, सरकार के सारे निर्णय साथ में ले रहे थे और हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। और इसलिए मुझे लगता है उद्धव जी और मैं, भले ही हमने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए हो, हम एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से परे हमारी ये दोस्ती भी है और इसके चलते बिल्कुल मैं जानता हूँ कि उनका मत क्या है, वो जानते हैं हमारा मत क्या है, हम लोग साथ में बैठे, हमने दूरियां पार्टी और साथ में आ गए। चलिए देवेंद्र फडणवीस जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे आमने सामने में देवेंद्र फडणवीस। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।